जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो। दर्शकों, आप में से बहुत से दर्शकों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे, हमारे स्टूडेंट्स भी उसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हैं कि हम अपनी कुंडली में पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे देखें और उसको कैसे डिफाइन किया जाए। सो दर्शकों, आज की वीडियो का शीर्षक है पर्पस ऑफ लाइफ इन हॉरोस्कोप। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले, जिन दर्शकों ने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो उन सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आपको पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि ज्ञान की ज्योति घर घर तक पहुंचे। बाकी जिन दर्शकों ने अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी दर्शकों के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881-64480। उसी नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दर्शकों यही होता है कि किसी की भी लाइफ का पर्पस क्या है, वो इस लाइफ में करने क्या आया है। क्या सिर्फ जन्म हमें इसलिए मिलता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी डिग्री अर्जित कर लें, शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें, दो चार घर बना लें, ऑफिसेस बना लें, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लें और बाय बाय कर जाएं? या इसके अंदर कुछ ऐसे डीप लॉजिक्स पड़े हैं जिसको जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, और बिना उन डीप सीक्रेट्स को जाने, उन डीप लॉजिक्स को समझे अगर हम जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक गलत डायरेक्शन में या वेवर्ड डायरेक्शन में हम जाते हैं। सो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में अगर हमें अपने फ्यूचर के बारे में समझना है, तो हमारे पास एक पॉइंटर है। और वो पॉइंटर क्या है? हम कहते हैं कि हमारे लाइफ का एनर्जी एक्सिस राहु केतु। बाकी प्लैनेट्स हमारे जो हैं, सूर्य है वो हमारी आत्मा के साथ संबंध रखता है, चंद्रमा जो है वो हमारे मनस, हमारी साइकोलॉजी के साथ संबंध रखता है, और बाकी जो पांच प्लैनेट्स हैं, ये पांच प्लैनेट्स हमारे पंच महाभूत हैं, यानी कि ये रिसोर्सेज हैं जो मन के पास अवेलेबल होते हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपने लाइफ के कर्मों को या कार्यों को पूरा करते हैं। मगर सूर्य, चंद्रमा और पांच प्लैनेट्स, इनमें आपके लाइफ का पर्पस नहीं पड़ा। अब लाइफ का पर्पस कहां पड़ा है? लाइफ के पर्पस को देखने के दर्शकों दो तरीके हैं। दो तरह का लाइफ का पर्पस होता है। एक लाइफ का पर्पस है कि जिसको हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में आगे क्या बनेंगे, और दूसरा पर्पस ये होता है कि हम पिछले जन्मों से जो चीजें कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, उनमें से कुछ चीजें पेंडिंग होंगी, और उन पेंडिंग चीजों की कंप्लीशन भी इस लाइफ का पर्पस होता है। सो इन दोनों चीजों में डिफरेंट प्लैनेट्स का रोल आएगा, और आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि हमें उस पर्पस ऑफ लाइफ को प्लैनेट्स के थ्रू कैसे देखें। अब दर्शकों, फ्यूचर को जानने वाला प्लैनेट राहु है। राहु को हम कहते हैं ये हमारा फ्यूचर है। सो आपके चार्ट में राहु जहां भी बैठा होगा, जिस भी भाव में बैठा होगा, उसमें आपके इस प्रेजेंट लाइफ का फ्यूचर पड़ा है, और वो ही सीक्रेट है जिसको आपको समझना है। सिर्फ ऐसा कोई, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जिसको हम कहें कि हम जान नहीं सकते या सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स ही इसको समझ सकते हैं। दर्शकों, आप भी इसको समझ सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से अपने चार्ट को देखना है, और आपके चार्ट में राहु जिस भाव में प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट लाइफ का फ्यूचर कहीं ना कहीं वहीं पड़ा है। अब उसको देखना कैसे है, क्योंकि भाव, बहुत से दर्शक भाव और राशि के साथ यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको भाव को देखना है, जिस भाव में आपका राहु प्रेजेंट है,
वो इस लाइफ का आपका फ्यूचर है। अब किसी का राहु फर्स्ट हाउस में पड़ा होगा, किसी का राहु सेकंड हाउस में होगा, किसी का थर्ड में, और किसी का टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी हो सकता है। सो राहु कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अब राहु के प्रेजेंट होने में ही उसके फ्यूचर की गतिविधियां और उसको जानने का वो जो डीप लॉजिक है वो वहीं पड़ा है। अगर किसी के भी चार्ट में उसका राहु फोर्थ हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, किसी का राहु फोर्थ हाउस में है। अब फोर्थ हाउस में राशि कौन सी है, दर्शकों ये कोरिलेशन बैठाना, इन दोनों चीजों को मिलाना, ये अब आपकी ड्यूटी है। अगर आप इसको करने में सक्षम हो फिर तो आप ही अपने लाइफ का पर्पस खोज सकते हो। अगर आपको इसमें कठिनाई है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अब फोर्थ हाउस में अगर वो चार्ट है एरीज चार्ट, तो एरीज चार्ट में फोर्थ हाउस और राशि दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि आपका राहु सुख स्थान में आ गया। और सुख स्थान में कहां पर आ गया, जहां पर भाव की लॉर्डशिप किसके पास है, चंद्रमा के पास है। अब आपके पास बहुत एक छोटा सा काम पेंडिंग रह जाता है करने का, कि आपके उस भाव का अधिपति लॉर्ड ऑफ द हाउस वो कहां बैठा है। अब इन दोनों को मिला के आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपका चंद्रमा समझ लीजिए अच्छे भावों में बैठा है, 6, 8, 12 के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो चंद्रमा अपने घर को, चंद्रमा का अपना घर कौन सा है, फोर्थ हाउस, अपने घर को वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस एक्टिविटीज अच्छे तरीके से संपादित हो जाएंगी। अब राहु पड़ा है वहां, अब राहु का मतलब है कि वो आपका फ्यूचर है। अब आपका फ्यूचर कहां पर है, सुख स्थान के। अब उन चीजों को याद करिए, सुख स्थान के साथ कौन कौन सी चीजें एसोसिएट होती है, माता, भूमि, वाहन, जिसमें वाहन में आप समझ सकते हो आपके व्हीकल्स आ गए। सो यहां पर आपको यह समझना है कि ये आपका फ्यूचर है। इस जन्म में आपका फ्यूचर आपकी मदर के साथ एसोसिएट हो सकता है, आपका फ्यूचर आपकी प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट हो सकता है, या व्हीकल्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। इसी में आपका पर्पस पड़ा है। अब हम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी का राहु नाइन्थ हाउस में पड़ा है। अब नाइन्थ हाउस में पड़ा है और वहां पर राशि आ जाती है लियो। राशि आ गई वहां पर लियो, हाउस है नाइन्थ। अब नाइन्थ हाउस आप सब समझ सकते हो कि ये ज्ञान का है, आपके धर्म का हाउस है, आपके भाग्य का हाउस है। साथ में यहां पर क्या आ गया, लियो आने की वजह से सूर्य आ गया। सूर्य का मतलब होता है पावर, पोजीशन, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रांग प्रोमिनेंस, और सबसे बड़ी बात आत्मा। तो यहां पर आप कहीं ना कहीं आपके भाग्य में उन पावर पोजीशंस को भोगते हुए आगे बढ़ना है, और अंत में आपको आत्मा को जानने का, आत्मा को समझने का, आत्मा के रास्ते पर चलने का प्रयास करना है, और वो ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। अब इसी तरीके से किसी दर्शक का राहु 11th हाउस में भी पड़ा हो सकता है। अब 11th हाउस वैसे भी दर्शकों आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। अब इच्छा पूर्ति के भाव में अगर वहां राशि एक्वेरियस ही हो जाए, एक्वेरियस यानी के कुंभ राशि, अब कुंभ राशि में अगर राहु आ गया तो राहु अपने घर में आ गया। अपने घर में आने से क्या होगा, राहु स्ट्रांग हो गया, तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली वहां पर फिक्स हो गया। अब राशि क्योंकि एक्वेरियस है, सो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन गया कि आपको अपने फ्यूचर को अपने कर्मों के द्वारा अर्जित करना है, वहां तक पहुंचना है, और दैट मींस स्ट्रांग कर्मास। और प्लस क्योंकि राहु का डोमेन है और राहु
रियल वर्ल्ड में एक्ट नहीं करता, राहु एक्ट करता है वर्चुअल वर्ल्ड में, ऐसी जगह पर जहां पर कहते हैं कि चीज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो राहु के लिए अब क्या है रास्ता, आप देखिए, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है, तो वर्चुअल वर्ल्ड इंटरनेट की दुनिया हो सकती है, आपकी एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, आपके कंप्यूटर वर्ल्ड से आगे बढ़कर अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में घुसेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, या ऐसे मिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें रिसर्च बीच में पड़ी है। राहु का डोमेन बहुत बड़ा है। सो आपका पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं राहु जैसा बनकर उन चीजों को एक्सप्लोर करने में है जो प्रेजेंट में अभी आपके सामने विजिबल नहीं है, यानी कि आपको अंधेरी दुनिया से कुछ ना कुछ खोज के लाके दुनिया को दिखाना है। ये रिसर्च का, ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो दर्शकों, राहु से हम पर्पस ऑफ लाइफ जान सकते हैं, मगर पर्पस ऑफ लाइफ, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हम इस लाइफ में क्या करने आए हैं, मगर अकेला पर्पस ऑफ लाइफ जानने से क्या आप उस पर्पस को अचीव कर पाओगे? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझने के लिए आपको राहु के शक्ति स्थान में जाना है। अब किसी भी भाव का शक्ति स्थान कौन सा होता है? वो उसका ऑपोजिट सेवंथ हाउस होता है, और सेवंथ हाउस में आप जानते हो कि क्या होगा, 180 डिग्री पे तो राहु के सामने केतु ही होगा। सो केतु में उस राहु की उस फ्यूचर को एकम्प्लिश करने की शक्ति बड़ी है, यानी कि आपको आपका प्लेटफॉर्म, आपको अपना बेस समझना, आपका बेस केतु में पड़ा है। सो केतु से आपको शुरुआत करनी है और राहु तक आपको जाना है। सो वहां से आप अपनी शक्ति को समझिए कि आपकी शक्ति कहां पड़ी। अब जैसे मैंने बात करी एक्वेरियस में राहु है, तो एक्वेरियस राहु की शक्ति कहां पड़ी है? फिफ्थ हाउस में पड़ी है। अब फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चे का है। अब फिफ्थ हाउस में क्या चीजें और आ जाएंगी? आपकी क्रिएटिव टैलेंट आ जाएगा, साथ ही में क्या आ जाएगा? फॉरेन एजुकेशन भी आ गई, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है। अब जब 5-11 में राहु केतु एक्सिस आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये फॉरेन के साथ एसोसिएशन भी होगी। सो फॉरेन के साथ एसोसिएटेड एजुकेशन आपके पास आ गई, आप की वो भी आपकी शक्ति का स्थान बन सकता है। और साथ ही में रोमांटिक रिलेशंस का एंगल, उसको मत छोड़िए, वो भी आपकी शक्ति बन सकती है कि आपकी लाइफ में कोई लड़की की एंट्री होगी जिसका संबंध फॉरेन के साथ होगा, वो लड़की के थ्रू आप फॉरेन जाओगे, वहां जाके एजुकेशन लोगे और फिर रिसर्च के रास्ते पर आगे चल पड़ोगे। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा राहु किसी का सुख स्थान में है, तो सुख स्थान में अगर राहु है तो केतु कहां गया? केतु गया 10th हाउस में। 10th हाउस किसका है? शनि का है। सो उस आदमी को सुख के फ्यूचर में जाने के लिए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए क्या है? ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म कैसे? अब शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है दर्शकों, यहां पर आपको कर्म ऐसे करने हैं जिसके साथ आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है, वैराग्य जैसी स्थिति से आपको काम करना है, बस काम किया भूल जाओ, यानी कि फल की इच्छा किए बिना काम करना है। और जो भी जातक फल की इच्छा किए बिना कर्म करेंगे उनको सुख मिलेगा और इस लाइफ में अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करने का मौका मिल जाएगा। अब दर्शकों, मैंने शुरू में कहा था कि एक तरीका है पर्पस ऑफ लाइफ देखने का ये, अब दूसरा तरीका क्या है? अब पिछले जन्मों से हम कौन सी कार्मिक पेंडेंसीज लेकर आए हैं? क्योंकि जो चीजें हम पीछे से पेंडेंसी के फॉर्म में लेकर आए, अब उसको पूरा करने का मौका ही तो ये जीवन है, हमें जीवन मिला ही इसीलिए कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा करना है और उनको करते हुए आगे पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करना है। अब कर्मों का लेखा जोखा हम कहां से देखें? उसको देखने के लिए दर्शकों, आपके पास प्लेनेट के रूप में शनि प्रेजेंट है। आपके चार्ट में शनि जहां भी प्रेजेंट है वो
क्या है, आपके ये बताएगा कि आपके पिछले जन्मों की पेंडेंसी, कर्मों की स्पेशली, कहां पड़ी है, कैसे पड़ी है। अब किसी की पेंडेंसी पड़ी होगी कहां पर, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शनि है तो आप समझ सकते हो एफर्ट्स का भाव है, शॉर्ट जर्नीज का भाव है, तो उसको अपने कर्मों की एफर्ट के साथ शॉर्ट जर्नीज करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस एक्सप्लोरेशन का हाउस है तो उसको दुनियादारी को बुद्धि के थ्रू एक्सप्लोर करने का हाउस हो जाएगा। इसी तरीके से शनि जहां भी प्रेजेंट हो, अब दर्शकों यहां पर उस पेंडिंग कर्मों को पूरा करने के लिए शनि से थर्ड हाउस देखना मत भूलिए। शनि का थर्ड हाउस यानी कि पिछले जन्मों की कार्मिक पेंडेंसी को अचीव करने के लिए अब शनि को कार्य कैसे करना है वो अब आपको समझना है, वो आपको शनि से थर्ड हाउस में देखना है। जैसे किसी का शनि थर्ड हाउस में पड़ा है तो थर्ड का थर्ड कौन सा हो जाएगा, वो फिफ्थ हाउस हो जाएगा, यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा करने के लिए उससे अपने बच्चे की हेल्प लेनी पड़ सकती है, उसे उन रोमांटिक रिलेशंस की हेल्प लेनी पड़ सकती है, उसे उस क्रिएटिव टैलेंट के डोमेन में जाकर काम करना पड़ सकता है। तो ये तरीका है दर्शकों इसको देखने का। और इसी में दर्शकों आज मैं आपको एक और टिप देता हूं, आपने क्या अपने पिछले जन्मों के जो कर्मों की पेंडेंसी आप लेकर आए, क्या आपने उसको पूरा किया, क्या वो कंप्लीशन आपको मिली। हालांकि जब भी पेंडेंसी, पिछले जन्मों की जो पेंडेंसी है उसकी कंप्लीशन होती है, आपके मन को समझ तो आ जाता है, मगर क्योंकि हम अपने लाइफ के कर्मों को करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम सोचने का हमें टाइम ही नहीं मिलता। उसको कैसे जाने हम चार्ट से, उसको जानने के लिए दर्शकों आपका शनि जहां भी है, शनि का इलेवंथ यानी कि जहां पर शनि प्रेजेंट है, क्योंकि वो लॉजिक है कि शनि पिछले जन्मों की कार्मिक पेंडेंसी वहीं पर छोड़कर आया था, इसीलिए शनि वहां आया। अब शनि का इलेवंथ आप देखिए, यानी कि शनि से इच्छा पूर्ति का भाव, अगर इच्छा पूर्ति का भाव आपका अच्छे भावों में आ गया, जहां पर अच्छी अचीवमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, जुपिटर के साथ एसोसिएशन आ गई, नाइन्थ हाउस के साथ एसोसिएशन आ गई, सूर्य के साथ एसोसिएशन आ गई, शुक्र के साथ एसोसिएशन आ गई, तो ये अच्छे भाव जिनको हम पॉजिटिव चीजें कहते हैं, जब पॉजिटिव एनर्जीज के डोमेन में वो प्लेनेट या वो भाव चला जाता है तब हम कहते हैं कि उसको अचीव करने में उसे आसानी हो गई। मगर जब वो ही इलेवंथ, शनि का इलेवंथ अगर 6, 8 और 12 में चला गया तो आपको उस इच्छा पूर्ति को करने में डिफिकल्टी होने वाली है। मगर दर्शकों यहां पर ज्योतिष शास्त्र के नियमों को मत भूलिए, 6, 8, 12 सिर्फ मेटीरियल चीजों को पूरा करने में कठिनाई देंगे, ऑकल्ट की चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, साइको स्पिरिचुअल चीजें, उन उस डोमेन में ये भाव हमेशा हेल्पफुल होंगे। सो किसी जातक का शनि का इलेवंथ 6, 8, 12 में हो सकता है और वो साइको स्पिरिचुअली इस जीवन में एलिवेट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। मगर यह बात कंफर्म है कि अगर साइको स्पिरिचुअल रास्ते पर वो आगे बढ़ा है तो उसको आप देखोगे कि मेटीरियल गेन्स इस लाइफ में बहुत कम होंगे या नेग्लिजिबल होंगे। ये था दर्शकों मेरी कोशिश जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर हमें पर्पस ऑफ लाइफ देखना है तो कैसे देखना है, कर्मों की पेंडेंसी को देखना है तो कैसे देखना है, अब इसको ओवरकम करना है तो वो भी मैंने अब आपको रास्ता बता दिया कि आपको कैसे चलना है। जब भी आप कोई भी प्रश्न आपका है कर्म से रिलेटेड है तो शनि जहां भी बैठा है आपके लिए, मैं आसान तरीका आज मैं आपको बता देता हूं कि क्या करें, शनि को अपना लग्न बना लें, जहां भी आपके चार्ट में शनि है तो उससे वो आपका कर्मों का एक इंडिपेंडेंट चार्ट बन गया और उसके माध्यम से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को डिकोड कर सकोगे। इसी तरीके से राहु जहां पर प्रेजेंट है
राहु को लग्न में बैठा लीजिए और वहां से अब आपको समझ में आएगा कि आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। राहु के चौथे भाव में उसका सुख स्थान हो गया, राहु के भाग्य स्थान में क्या पड़ा है उसके अंदर भी कुछ कोड्स, कुछ सीक्रेट्स पड़े हैं जिसको आप समझ सकते हो। राहु से अगेन इच्छा पूर्ति देखनी है कि आपकी इच्छा पूर्ति हुई या नहीं, वो राहु से आप इलेवंथ देख लीजिए। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र को साइंस की तरह अप्लाई करिए, लॉजिकली अप्लाई करिए। इसे ऐसे मत समझिए कि ये कोई ऐसी दिव्य शक्ति या दिव्य साइंस है जो ऊपर से आती है और चंद लोगों को ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं। आप भी उसको समझ सकते हो, मगर उसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी करना होगा और इसको शांत मन से समझने का प्रयास करना होगा और उसी के द्वारा आप अपने चार्ट के इन डीपर सीक्रेट्स को अनकोड कर पाओगे। सो दर्शकों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के आने तक आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार।